आपका क्वेश्चन है, डिटरमाइन बाय ग्राफ वेदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा किसका होता है, पहले वी विल फाइंड आउट दैट। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा होता है वेयर द लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, तो जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट होगी दैट टू सिंगल पॉइंट, तो यू विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये देखो यहां पर आपका क्या है, दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन, वी विल राइट यूएस, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये देखो आपका क्या है, दिस इज योर पैरेलल लाइन, दैट मीन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, यू विल गेट नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एनएस। और अदरवाइज आपका क्या है, दो इक्वेशंस की लाइन वन अबव द अदर, यानी कि सिंगल लाइन मिलेगी आपको लाइक दिस, यू विल गेट मेनी सॉल्यूशंस इन दैट, तो दैट इज योर एम एस, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो हमारा देखो क्या क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे देखो कैसे लिखेंगे हम, एक्स एंड वाई, फर्स्ट वी विल टेक एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर क्या हो गया, 2x इज 0, तो वाई आपका क्या हो गया, देखो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो वाई इज इक्वल टू, वी कैन से 6 बाई माइनस 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टेक वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3y इज 0, तो आपका क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू वी कैन से 3, 6 बाय 2 इज 3। ठीक है ना, यहां पर करते हैं, तो ये देखो आपका कैसे आ रहा है, लाइक दिस, x एंड y, फर्स्ट टेक x इज इक्वल टू 0, तो y इज 1, नाउ टेक y इज 0, योर x इज 1 नाउ। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, नाउ वी विल मेक अ ग्राफ। तो ग्राफ देखो आपका x में 3 इज मैक्सिमम, नेगेटिव में कुछ नहीं है, तो जस्ट वी विल मेक लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज योर x, दिस इज योर एक्स डैश, और यहां पर हमने बना दिया एक लाइन, दैट इज वर्टिकल लाइन, तो दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर वाई डैश, ये आपका 0 हो गया। तो आपको देखो एक्स में कहां तक बनाना है, 3 तक, तो 1, 2 एंड 3, यहां पर हमारा है -1 ओनली, है ना, माइनस में कोई नहीं है, तो एक ही लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट वाई में देखो -2 है और पॉजिटिव में 1 है, तो दैट मीन दिस इज योर 1, है ना, और नीचे की तरफ देखो क्या है आपका, -1 एंड -2। नाउ कोऑर्डिनेट्स बनाओ इसके, कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं, कोऑर्डिनेट देखो एक बार, तो हमारा है एक्स इज 0, वाई इज -2, तो एक्स इज 0, वाई इज -2, नेक्स्ट एक्स इज 3, वाई इज 0, तो एक्स इज 3, दैट मीन दिस, तो ये आप इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, सेकंड वाला देखो, एक्स इज 0, वाई इज 1, दैट मीन दिस, नेक्स्ट है आपका एक्स इज 1, वाई इज 0, दैट मीन दिस, अब ये दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है, तो हमने क्या किया, इसको दोनों को ज्वाइन किया एंड एक्सटेंड किया। ठीक है ना, तो यहां पर देखो आपका क्या आ रहा है, दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वी कैन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट मीन्स इट कंटेन्स यूनिक सॉल्यूशन, तो इट कंटेन्स यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो हमने फाइंड आउट कर लिया इस कंटेंट्स यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है।